हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिर्फ 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन किसी एंट्रेंस में आता है तो उसको हमने 12th के बेसिस पे 11th के बेसिस पे बहुत लंबे टाइम में करने का मेथड सीखा हुआ है। तो उसको अगर मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है सामने, एक ही क्वेश्चन है ये और इसमें इसको करने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट पेपर में मिलता है, मगर इसमें 4-4 स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब आपको 2 अलग अलग स्क्वायर रूट तो निकालने पड़ेंगे, तो इसको जब आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक डायरेक्ट ट्रिक यूज करते हैं, उससे आपका स्क्वायर रूट सिर्फ 5 से 6 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। तो उसे बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान रहेगा, आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। देखो जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, रूट में 5 प्लस का 12 आएगा का, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना आएगा 12, इसका आप करोगे हाफ। 12 का अगर आप लोग हाफ करते हो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 के आपको पॉसिबल वो फैक्टर करने हैं, इसको बात को ध्यान से सुनना, 6 के आपको पॉसिबल वो फैक्टर करने हैं जिनका स्क्वायर का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूं, 6 के आपको पॉसिबल वो फैक्टर करने हैं जिनका स्क्वायर करके जो डिफरेंस हो वो आपके पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 के आपके पास फैक्टर देखो वैसे तो होते हैं 6 × 1 और एक आपके पास होता है 3 × 2। तो यहाँ पर अगर आप 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 5 नहीं आएगा, अगर आप 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 9 माइनस का 4 इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया, और ऐसा ऐसा नहीं कि आपका ऐसे आएगा नहीं, क्वेश्चन वही फॉर्म होगा जिसमें आपके पास डिफरेंस भी इसके इक्वल हो, वरना फिर उसका स्क्वायर कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। आधी बात समझ में, तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी आइटा का पार्ट कोफिशिएंट होगा, मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम लोग हाफ करेंगे, उसके वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर करके और डिफरेंस करके आपके पास इसका रियल पार्ट आ जाए। अब यहाँ पे किस किस का स्क्वायर करके आया है, 3 और 2 का, तो इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 i बस इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस लगा देंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की 2 वैल्यूज होती है, ठीक है ना। अगली बात समझ में, आपको क्या करना है, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है उसको रियल में लेना है, उसको इमेजिनरी में लेना है, और 3 + 2 i आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में साइन अलग अलग आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो 5 - 12 i आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें और कुछ, या फिर आपके पास ये आ गया क्वेश्चन माइनस का 5 + 12 i, या फिर दोनों माइनस के आ गए माइनस का 5 - 12 i, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया तो बस आपको यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का 3 - 2 i, ठीक है ना, 3 - 2 i, इसमें इससे और इसमें तो आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन देखो तो माइनस का 5 + 12 i दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या दिया था फैक्टर, जिनका स्क्वायर का डिफरेंस करने पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए, यहाँ पे प्लस 5 लिखा था इसलिए हमने 3 - 2 दिया था, यहाँ पे आपका माइनस का 5 लिखा है तो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 2 - 3 करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 3 i, और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इस माइनस की वजह से हम लोग लिख लेंगे प्लस माइनस का 2 - 3 i। ऐसे आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 4-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेई में आया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो 5 + 12 i का आपने स्क्वायर रूट देखा है क्या आएगा, 3 + 2 i, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया, आप सबको कोई भी एक साइन लो, या फिर सबको प्लस में लो या फिर सबको माइनस में लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा 5 - 12 i, उसका आपके पास क्या आएगा, 5 - 12 i का 3 - 2 i और होल अपॉन में यहाँ पे 3 + 2 i और माइनस का 3 - 2 i, ठीक है ना। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो पर आएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपका 4 i, ये 3 ये 2 और इसमें आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो आएगा आपका 3 i अपॉन में 2 i का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो आपका आ गया माइनस का 3 i अपॉन में 2, ये इसका आंसर आपका आ गया सिर्फ 25 से 30 सेकंड में, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अगर करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तो आपका 5 से 6 सेकंड में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके।